To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहन, आज अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पहला पाठ नेताजी का चश्मा, आज हम लोग ये पाठ पढ़ने वाले हैं। और यह पाठ प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश की एक बहुत ही अच्छी रचना, बहुत अच्छी कहानी है। और जब इसका शीर्षक दिया नेताजी का चश्मा, तो हम समझ सकते हैं कि नेताजी से तात्पर्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उन्हीं के चश्मे पर केंद्रित ये कहानी, और इस कहानी को जो लेखक ने लिखा है उसका अपना कुछ उद्देश्य है। वैसे हर कहानीकार का कोई कहानी लिखने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और इस कहानी में भी लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह एक देशभक्त थे। अब प्रश्न उठता है कि देशभक्त किसे कहते हैं, देशभक्त से क्या मतलब, या उससे भी छोटे शब्द पर आइए, देश से क्या मतलब है, देश किसको कहा जाए। तो कहानी के परिचय में ही समझाया है कि एक निश्चित सीमा रेखा के भीतर घिरा हुआ भूभाग देश नहीं होता। देश बनता है वहां के रहने वाले नागरिकों से, वहां की नदियों से, पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियां, वनस्पतियां, इन सब को मिलाकर के देश बनता है। हम जहां भी हैं देश में हैं, आप जहां हैं देश में हैं। और जब इन सबको मिलाकर के देश बनता है, तो इस सब की उन्नति के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, विकास के लिए कार्य करना देशभक्ति कहलाता है। और यही बात इस कहानी में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। छोटा से छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति भी यदि अपने देश के विकास के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए कार्य करता है, तो ये उसकी देशभक्ति ही होती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस कहानी की रचना की गई है। कहानी को समझने से पहले हम ये जान लें कि इस कहानी में मुख्य तीन पात्र हैं। एक है हालदार साहब, जो किसी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। दूसरा है एक पान वाला, मोटा काला हसमुख आदमी पान वाला। और एक तीसरा है कैप्टन चश्मा वाला, जो फेरी लगाकर घूम घूम करके चश्मे का फ्रेम और चश्मा बेचता है। लेखक कहते हैं कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का नाम नहीं दिया है, और कस्बे का मतलब होता है कि गांव से थोड़ा बड़ा, शहर से थोड़ा छोटा, वो स्थान कस्बा होता। तो हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे वहां, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। और यहां लिखता है कि नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी, कुछ न कुछ। अब ऐसा लिखने के पीछे हो सकता है कि लेखक नगर पालिका पर व्यंग कर रहा हो, कि नगर पालिका बहुत काम नहीं करती, कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करती रहती है। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने
बाजार के मुख्य चौराहे पर, उसी कस्बे के बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर से बनी, संगमरमर पत्थर है, संगमरमर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के विषय में है। उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में उसे बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते थे, महीने में दो बार गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की उस मूर्ति को देखा, संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति, टोपी के नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, मतलब चश्मा तो था परंतु वह संगमरमर का नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का, पाठ में शब्द दिया है रियल, तो ये रियल का सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने जब देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान, थोड़े आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की, उन्होंने सोचा कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। खैर, अब हालदार साहब थोड़े चिंतित हुए, कुछ बातें वो सोचने लगे। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का यह प्रयास सराहनीय है, मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है। अब यहां थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि क्या कहना चाहता है लेखक। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है। देशभक्तों का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। देश के प्रति अपने सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उस कस्बे के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाहे जैसी भी हो एक मूर्ति लगवाई तो निश्चित रूप से उनका प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। अगर छोटी सी एक कमी रह गई तो उस कमी को अगर हम अलग कर दें तो यह प्रयास काफी अच्छा कहा जा सकता है। दूसरी बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर एक बदला हुआ चश्मा देखा तो उनके मन की उत्सुकता, मन का कौतुक और बढ़ गया। पहले बार जो चश्मा लगा था उससे अलग चश्मा दूसरी बार उनको दिखाई दिया। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते और हर बार मूर्ति पर का चश्मा उन्हें बदला हुआ दिखाई देता था। हर बार वो चश्मा बदल जाता था, मूर्ति वही, चश्मा दूसरा, कभी चौकोर फ्रेम का चश्मा, कभी गोल फ्रेम का चश्मा। अब प्रश्न है कि वह कौन था, वह कौन व्यक्ति था जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगे चश्मे को बदल देता था, क्यों वह ऐसा करता था, ऐसा करने वाला व्यक्ति कोई शरारती तो नहीं था, अथवा ऐसा करने वाला व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत अधिक समर्पित व्यक्ति तो नहीं था, वह कैसा देशभक्त था जो मूर्ति का चश्मा हमेशा बदल दिया करता था। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग कहानी के अगले भाग में जानेंगे। आज इतना ही। आप इस कहानी को
पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, आप उन शब्दों को अलग लिख करके उनका मतलब समझेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग इस कहानी के अगले भाग को और इन सारे प्रश्नों को जानने का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।